सो दोस्तों ये है नंबर, जो नंबर को हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, एंड दीज नंबर्स ऑल्सो लिव ऑन आर नंबर लाइन। सो चलिए क्विक रिकैप करते हैं। सो इरेशनल नंबर्स आर सच नंबर्स दैट कैन नॉट, दिस इज इम्पॉर्टेंट, दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज पी बाई क्यू वेयर बोथ पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। सो आप बोलोगे कि देन वाई कैन वी नॉट स्क्वेयर रूट टू एज, मान लीजिए स्क्वेयर रूट टू बाई वन, राइट? इसका रीजन सिंपल है दोस्तों, यू कैन ऑलवेज राइट स्क्वेयर रूट टू एज स्क्वेयर रूट टू बाई वन, या फिर मान लीजिए स्क्वेयर रूट थ्री एज स्क्वेयर रूट थ्री बाई वन, और सिमिलरली स्क्वेयर रूट फाइव बाई एज स्क्वेयर रूट फाइव बाई वन। आप हमेशा ऐसे लिख सकते हो, इन ईच ऑफ दिस केसेस जो लेफ्ट हैंड साइड है इज द सेम एज राइट हैंड साइड, बिकॉज हमें मालूम है कि अगर हम वन से डिवाइड करते हैं कोई भी चीज़ को, सो इट रिमेन्स द सेम। बट यहाँ पे दोस्तों द इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट इज, इवन दो यू गेट इट इन दिस फॉर्म, यू कैन से, यू कैन एक्चुअली सी, आप देख सकते हो कि दिस इज डेफिनेटली ऑफ द फॉर्म, देर इज समथिंग ऑन द टॉप एंड देर इज समथिंग ऑन द बॉटम, बट इनमें डिफरेंस ये है दोस्तों कि दिस पार्ट दैट यू हैव विच इज़ इन दिस केस आर स्क्वेयर रूट टू या फिर स्क्वेयर रूट थ्री या फिर स्क्वेयर रूट फाइव, दीज थिंग्स दे आर नॉट एन इंटीजर। आपको मालूम है इंटीजर्स की डेफिनेशन क्या है, हमने देखी है वेबिसोड वन वेबिसोड टू में। सो ये जो नंबर्स हैं, अगर हम स्क्वेयर रूट टू थ्री फाइव को इस फॉर्म में लिखते हैं, सो वी नोटिस दैट ये जो न्यूमरेटर है इट इज नॉट एन इंटीजर। सो रैशनल नंबर होने के लिए वी नीड टू हैव बोथ पी एंड क्यू आर इंटीजर्स वेयर द नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म पी बाई क्यू एंड क्यू शुड नॉट बी जीरो। सो ये नंबर्स हम देख रहे हैं दोस्तों, स्क्वेयर रूट टू, स्क्वेयर रूट थ्री, स्क्वेयर रूट फाइव, दे आर नॉट इंटीजर्स, एंड बिकॉज ऑफ दिस वी कैन नॉट से दीज आर रैशनल नंबर्स। सो ये है स्पेशल काइंड ऑफ नंबर्स जिन्हें हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। सो दोस्तों इनकी जो प्रूफ है, क्यों हम इसे इरेशनल नंबर बोलते हैं, इसकी जो एक अलग टाइप से इसकी जो प्रूफ हम कर सकते हैं इसको हम, बट वो प्रूफ दोस्तों हम करेंगे बाद में, सब्सिक्वेंटली। फॉर द टाइमिंग आप इतना आप ध्यान में रखिए कि नंबर्स ऑफ दिस फॉर्म स्क्वेयर रूट टू, स्क्वेयर रूट थ्री, स्क्वेयर रूट फाइव, मोस्टली स्क्वेयर रूट ऑफ योर प्राइम नंबर्स, ये नंबर्स दे आर ऑल कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स। हमने देखा है कि वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स, कोई भी दो इंटीजर्स अगर आप लेते हो, एपिसोड टू में हमने देखा देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ rational numbers between any two integers, so there are infinite number of rational numbers, and abhi hum dekh rahe hain ki there are infinite number of irrational numbers, because agar hum irrational number ko square root prime number karke likhte hain, so yahan pe we have infinite number of prime numbers that can be represented, right? So again dosto, just to quickly recap, ye jo symbol tha isko hum bolte hain radical sign, this is called radical sign, or so in this particular case we are saying it is a square root 2. So aap baad mein dekhoge ki we have something called as cube root, this is called as cube root, this is called like fifth root, so on so forth. So jab bhi aap radical sign ke yahan pe aap 3 dalte ho, this becomes a cube root, 5 dalne se fifth root, aap kuch bhi jab represent nahi karte ho, it basically means that it is 2 and it is called as a square root. So that is why we are saying these are all square root 2, square root 3, square root 5, so on so forth. So now dosto, now aap notice karoge ki jo real numbers hai, now the real numbers are nothing but a collection of all rational numbers and collection of all irrational numbers. Jitne possible rational number ho sakte hain एंड जितने पॉसिबल इरेशनल नंबर हो सकते हैं, एंड दे बोथ आर इनफाइनाइट, अगर सम हाउ सम वे हम इनके कलेक्शन को जोड़ते हैं, देन द कलेक्शन दैट वी गेट, उस कलेक्शन को हम बोलते हैं रियल नंबर्स। सो एंड रियल नंबर्स को दोस्तों हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय अपर केस लेटर आर से। नाउ
एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों दैट वी मस्ट कीप इन माइंड एंड दैट इज़ एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई अ यूनिक पॉइंट बाई अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन. ये बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट है दोस्तों एंड वी विल कम बैक टू दिस लेटर. इसका मतलब यह है कि हर एक जो रियल नंबर है जिसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स एंड ऑल इरैशनल नंबर्स, सो इसमें से हर एक रियल नंबर इट मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाई अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन. एंड कॉन्वर्सली दोस्तों हम बोल सकते हैं कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इट रिप्रेजेंट्स अ यूनिक रियल नंबर. हर एक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इट विल रिप्रेजेंट अ यूनिक रियल नंबर. नाउ बिफोर वी रैप अप दोस्तों व्हाट वी विल टेक अ क्विक लुक इज दैट कैन वी रियली रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन. हमने तो देखा है अब तक कि आप डिफरेंट नंबर्स को, जैसे हमने हमारे एग्जाम्पल्स में देखा था कि अगर आप नंबर लाइन बनाते हो एंड यू हैव ज़ीरो देन यू कैन ड्रॉ दिस मार्क्स इक्वल स्पेसिंग पे एंड देन वी कॉल देम 1, 2, 3 सो ऑन सो फोर्थ राइट. एंड ज़ीरो के लेफ्ट में जो है वी कॉल देम नेगेटिव नंबर्स -1, -2, -3 सो ऑन सो फोर्थ. दिस कंटिन्यूज टिल प्लस इन्फिनिटी, दिस कंटिन्यूज टिल माइनस इन्फिनिटी. हमने देखा है कि आप ऑल द नेचुरल नंबर्स आर दीज नंबर्स देन ऑल द होल नंबर्स आर 0, 1, 2, 3. देन हमने देखा इंटीजर्स आर ऑल दिस नंबर्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ऑल दीज नंबर्स. उसके बाद हमने देखा जो रैशनल नंबर्स है दैट इंक्लूड्स ऑल दीज नंबर्स यहाँ पे राइट बिटवीन दीज. सो ऑल दीज नंबर्स दे आर ऑल रैशनल नंबर्स आर यू नो एवरीवेयर हियर. एंड देन अभी अभी इस वेबिसोड में हमने देखा कि इरेशनल नंबर्स दे ऑल्सो एग्जिस्ट एंड इरेशनल नंबर्स आर ऑफ द फॉर्म √2, √3. इट इज़ नॉट लिमिटेड टू ओनली दीज नंबर्स दोस्तों. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हाईलाइट दैट दीज आर जस्ट सम एग्जाम्पल्स ऑफ इरेशनल नंबर्स. सो ये इरेशनल नंबर्स भी हमने कहा कि दे आर पार्ट ऑफ रियल नंबर्स बिकॉज इरेशनल नंबर की कलेक्शन एंड ऑल दिस रैशनल नंबर की कलेक्शन टुगेदर बनाती है वॉट वी कॉल एज रियल नंबर्स. इसी के लिए कभी कभी आप नोटिस करोगे नंबर लाइन को पीपल से एज रियल नंबर लाइन. एंड उसके बाद हमने अभी भी नोटिस किया कि हर एक पॉइंट मान लीजिए इफ आई पुट अ पॉइंट लाइक दिस दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स अ यूनिक रियल नंबर. सो नंबर कैन बी रैशनल और द नंबर कैन बी इरैशनल. सो सिमिलरली कोई भी हम रियल नंबर लेते हैं, मान लीजिए अगर हम ये रियल नंबर लेते हैं देन ये पॉइंट को भी हम यूनिकली इस नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो सवाल ये है कि अगर हम इरैशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं सो हाउ कैन वी डू दिस. सो दोस्तों स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट एपिसोड. तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद.